लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। नवी मुंबई के प्रभाग 64 में पेड़ों की छटाई नहीं होने से दुर्घटनाओं की नौबत आ गई है। स्थानीय नागरिकों की लगातार मांग और शिकायत के बाद भी मनपा के संबंधित अधिकारी यहां के पेड़ों की छटनी करने को तैयार नहीं है, जिससे हादसों की संभावना और बढ़ गई है। शिवसेना युवा नेता अवधूत मोरे ने इसके खिलाफ आवाज उठाते हुए पेड़ों की तत्काल छटाई करने की मांग की है। देखिए रिपोर्ट। जो पेड़ पीछे है हमारे घर को पूरा इंक्लाइंड है, ये डेंजर भी है। बीच में एक बहुत बड़ी फांदी गिरी थी और जब तूफान आता है, जब तेज हवा आती है, तो वो झाड़ हमारी बिल्डिंग को भी टच होता है। उसको प्रॉपर टाइम पे हर साल ट्रिम करना जरूरी था, वो ट्रिम नहीं किया गया है। आज वो बिल्डिंग हाइट से ऊपर गया है। अभी जो साइक्लोन और ये स्टॉर्म वगैरह आ रहे हैं, तो ये झाड़ काफी हिल रहे हैं और ये 100% कोई घर पे गिरने वाले हैं। तस्वीर में दिख रहा यह वासी प्रभाग 64 का वो इलाका है जहां पेड़ों की छटाई नहीं होने से नागरिक बड़ी मुसीबत झेलने को मजबूर हैं। नागरिकों ने बताया कि वर्षों पहले लगाए गए यहां के अधिकांश पेड़ उनकी छतों और मकानों पर गिरने को तैयार हैं। बारिश में कई हादसे भी हो चुके हैं, हालांकि गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। स्थानीय नागरिक बताते हैं कि वे लगातार मनपा अधिकारियों से इन पेड़ों को काटने या छांटने की मांग और शिकायत करते आ रहे हैं, लेकिन महानगर पालिका के संबंधित अधिकारी सुनने तक को तैयार नहीं है। ये जो पेड़ पीछे है वो मतलब हमारे घर को पूरा इंक्लाइंड है और हमारे यहाँ से रेनी सीजन में बहुत सारे पत्ते गिरते हैं और ये डेंजर भी है पेड़, क्योंकि ये अगर गिर गया ऊपर छपरे पे तो पूरा डैमेज हो जाएगा छपरा। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि इसको प्लीज़ इसका कुछ तो सोल्यूशन निकालिए। हमारे इधर एक बहुत बड़ा झाड़ आ रहा है और उसकी फांदी बहुत बड़ी हो कि हमारी सोसाइटी के अंदर आ चुकी है, और जो कि बहुत डेंजरस चीज़ है, और कई बार हमने कंप्लेंट की है, उसके बारे में कुछ हो नहीं रहा है। बीच में एक बहुत बड़ी फांदी गिरी थी और जब तूफान आता है, जब तेज़ हवा आती है, तो वो झाड़ हमारी बिल्डिंग को भी टच होता है। तो प्लीज़ जितना जल्दी हो सके NMC से मेरा एक गुजारिश है कि प्लीज़ इसके बारे में देखिए, उससे कटवा दीजिए। इधर हमारे बच्चे रोज़ नीचे खेलते हैं, हम लोग आते जाते हैं, हमारे घर की छत है, सब उसके ऊपर गिर रहा है, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है उसके लिए। प्रभाग 64 के नागरिकों की इन शिकायतों को लेकर शिवसेना युवा नेता अवधूत मोरे ने मनपा प्रशासन से तत्काल समाधान की मांग की है। उन्होंने बताया कि वासी सेक्टर 6-7 और अधिकांश में रेन ट्री हैं जो 40 साल पहले लगाए गए हैं। ये पेड़ हरियाली के लिए तो अच्छे हैं, लेकिन छटाई नहीं होने से अब ये दुर्घटनाओं का जरिया बन रहे हैं। युवा नेता अवधूत मोरे ने मनपा अधिकारियों से तत्काल इनकी ट्रिमिंग कराने की मांग की है। ये जो सेक्टर 6-7-8 जो हमारा एरिया है, उसमें ये काफ़ी पुराना एरिया है, 40 साल पुराना एरिया है। तभी जो लगाए हुए झाड़ थे वो आज काफ़ी बड़े हो गए। वो बड़े झाड़ बढ़ने ही चाहिए, झाड़ काटना ये मेरा विषय नहीं है, लेकिन झाड़ों को ट्रिमिंग करना ये विषय है। उनको प्रॉपर टाइम पे हर साल ट्रिम करना जरूरी था, वो ट्रिम नहीं किया गया है। आज वो बिल्डिंग हाइट से ऊपर गया है, तो उसके वजह से अभी जो साइक्लोन और ये स्टॉर्म वगैरह आने, तो ये झाड़ काफ़ी हिल रहे और ये 100% कोई घर पे गिरने वाले हैं और इससे जीवितहानि होगी। तो उसके पहले NMMC ने इसे अभी उनके क्रेन्स और जो भी कुछ लगा के उनको हल्का करना चाहिए, क्योंकि ये मार्शी लैंड है। ये मार्शी लैंड में इनके रूट्स ऊपर रहे, इनके रूट्स के नीचे नहीं जाते, क्योंकि मार्शी लैंड होने का सॉल्टीनेस है नीचे। ये झाड़ रेन ट्रीज है, ये सब ऊपर है। अभी उनका जो ऊपर का लोड बढ़ गया है, उसके वजह से वो गिरने के 100% चांसेस है। और अभी भी वो सब रोहाउसेस को टच हुए है, बिल्डिंग्स को भी टच हुए है। तो इसके वजह से NMMC ने जल्द से जल्द ये ट्रिमिंग एक्टिविटी शुरू करे और इनका जो ऊपर का लोड है वो कम करे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया।